Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. वेलकम टू फ्यूचर रेडियो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोर्डलेस ड्रिल लेके आऊँ दोस्तों, जिनसे इनको कंपनी की है और दोस्तों जिनसे इसका मॉडल नंबर है CID LI 20012। ये इसका मॉडल नंबर, काफ़ी कारपेंटर भाइयों के मुझे कमेंट आते हैं कि हमें कोई कोर्डलेस ड्रिल पर वीडियो लेके आओ। और दोस्तों जिनसे वीडियो का लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 5000 का रखा, वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जिनसे इनका टूल बॉक्स है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, काफ़ी मजबूत है इनका, यानी कि इसके अंदर टूल हमारा काफ़ी सेफ रहेगा। और सबसे बढ़िया बात है इसको कैरी करके हम जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर अपना पर्सनली लॉक भी लगा सकते हैं, जैसे हमारा साइड वगैरह पर रह भी जाए। दोस्तों आइए देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है। दोस्तों एक हमें मैनुअल बुक मिलती है जिसके अंदर पूरी गाइडेंस वगैरह दी होती है। और दोस्तों दो हमें बैटरियाँ मिलती है, उनकी 20 वॉट की हैं। और दोस्तों एक हमें ये कोर्डलेस ड्रिल मिलती है। और दोस्तों एक हमें फास्ट चार्जर मिलता है। और दोस्तों तीन हमें बिट मिलते हैं, 6 mm, 5 mm और 4 mm का। और दोस्तों माइनस और प्लस का एक हमें स्क्रू ड्राइवर मिलता है। दोस्तों ये थोड़ी सी कोर्डलेस ड्रिल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो क्या है कि इसके दो गियर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या होता है जो उनकी हमारी 0 से लेकर 400 RPM में रहते हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है फर्स्ट गियर के अंदर, टॉर्क हमारे बढ़ जाता है यानी कि पावर बढ़ जाती है। और सेकंड गियर में क्या होता है, 0 से 1500 RPM रहते हैं, इसके अंदर क्या होती है, स्पीड हमारी बढ़ जाती है और हमारा टॉर्क कम हो जाता है। और दोस्तों ये इन्होंने नीचे ऑन ऑफ का दे रखा है, लेफ्ट और राइट को चलाना तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके अंदर जो सा बिट आता है 0.8 से लेकर 10 mm तक इसके अंदर बिट आता है। और जो सी इसकी ये अपने ये देखिए, अगर आपको हिल्टी पर करना है तो आपने हिल्टी पर कर लें, अगर आपने स्क्रू कसने हैं तो स्क्रू पर कस लो, अगर आपने नॉर्मल यानी कि ड्रिलिंग वगैरह करनी तो इस पर आप कर सकते हो। और दोस्तों अब देखो हमने स्क्रू कसने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट गियर पर करके तो ये हमारी स्पीड क्या है, आपने कितने पर करना है यानी कि ये हमारा टॉर्क को करता है। जैसे पेच आपका 1.5 इंची का 2 इंची का ज़्यादा पावर चाहिए तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है तो ये अब मैं अपने इसके अंदर बैटरी लगाऊंगा, जो सी बैटरी मैंने आपको बताई थी लिथियम आयन बैटरी है। इसके अंदर क्या है, ये हम जब इसको लगाएंगे तो ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे, कल को हमने इसको बाहर निकालना तो इसको पुश करेंगे तो ये हमारी बैटरी यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब जब हम वर्क करेंगे, ये देखो इसके अंदर एक LED लाइट है इसके अंदर, यानी कि वर्क करेंगे तो इसके अंदर लाइट भी पड़ेगी नीचे, ये सबसे बढ़िया इनका फंक्शन है। और दोस्तों इसके अंदर जो इन्होंने बॉडी इस्तेमाल कर रखी है प्लास्टिक की कर रखी है बड़ी, यानी कि हैवी ड्यूटी ये प्लास्टिक है। और ये सारा रबड़ है, जितना भी आपको ब्लैक ना ये रबड़ है, ये कभी भी जैसे हाथ वगैरह में हमारे पसीने वगैरह आ जाते हैं तो ड्रिल हमारी स्लिप नहीं करेगी। आमतौर पर जो हल्की ड्रिल है उनमें क्या होता है, ये प्लास्टिक से स्मेल आने लग जाती है हमारे हाथों में तो ये उतरने भी लग जाता है, ये उतरेगा नहीं। और इसकी मैं आपको बैटरी बैकअप बताऊं, बैटरी बैकअप इसका 1 से 1.5 घंटे चल जाता है अगर आप लगातार चलाओगे, अगर आप ब्रेक मार के चलाओगे तो 3 से 4 घंटे एक बैटरी चल जाती है। अब इसका बैटरी का कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बैटरी का, इसके इन्होंने पीछे 3 सेल दे रखे हैं। अब ये बैटरी मेरी एक पर है यानी कि कम है, इसके 2 पॉइंट इसके चार्ज है। और इस वाली को देखते हैं, इस वाली के देखो चारों चार्ज हैं इसके, यानी कि ये बैटरी हमारी चारों फुल चार्ज है। ये इन्होंने एक इसके साथ चार्जर दे रखा है, अगर हम इस चार्जर के अंदर लगाते हैं तो कम से कम आधे से पौने घंटे में चार्ज हमारी कर देता है। जब तक एक बैटरी हमारी खाली होगी उससे पहले ये हमारा चार्ज कर देगा। चार्ज के लिए क्या है, इन्होंने यहाँ पर ग्रीन रंग का ये देखिए ये इंडिकेटर जल पड़ा, तो इससे ये क्या है, मेरी ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब ये अगर ये फुल ग्रीन हो जाएगा यानी कि बिल्प करना बंद कर देगा तो मेरी बैटरी पूरी चार्ज हो जाएगी। अगर मेरी बैटरी बिल्कुल खाली है तो जैसे एक पॉइंट रहता है तो भी ये रेड कलर का ऐसे दिखाएगा भी आपका एक पॉइंट रहता है खाली है, अगर ये बिल्कुल रेड आ जाएगा तो यानी कि बैटरी मेरी बिल्कुल खाली है।
चली जाती है तो हमारा वर्क वगैरह कभी रुकता नहीं है। तो सभी की यानी कि मैं तो मल्टीपर्पज ड्रिल कहता हूँ, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर भाई, सभी की ये यानी कि पहली पसंद होने वाली है। ये है भी पहली पसंद, कई भाई इसको इस्तेमाल भी करते होंगे। दोस्तों अगर किसी को परचेज करनी है तो मैंने अमेजोन से लिया, तो अमेजोन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हो। और दोस्तों इसके प्राइस है वो 7,500 के करीब है, प्राइस इसका अप डाउन होता रहता है, वो आपने देख लेना है। अब मैं आपको इसके साथ वर्क करके दिखाता हूँ, इसके साथ क्या क्या वर्क करता हूँ। दोस्तों वाल के अंदर हम होल करेंगे, 6 mm का मैंने बिट कंक्रीट बांध लिया, और ये देखिए बैटरी भी आपको पूरी नज़र आ रही होगी, तो हमने हैमरिंग पर कर लिया। और ये हमने प्लास्टिक की गिट्टी लगा दिया। दोस्तों गिट्टी लगाने के बाद हमने क्या करेंगे, इसके अंदर स्क्रू करेंगे, स्क्रू मोड पर हमने कर दिया। कोई भी घर में गिट्टी वगैरह करनी है, कोई भी अपनी फोटो वगैरह टांगनी है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब हम इसको खोलेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे। ये देखिए ये स्पीड कंट्रोल भी आपके हाथ में ही है, जितना आप इसको पुश करते रहोगे। ये देखना मैंने बिल्कुल धीरे, अब इसको लीवर को दबा दूंगा। ये देखना अब आपको वुड और मेटल के अंदर होल करके दिखा दूँ। दोस्तों मेटल वाली पत्ती में हम क्या करेंगे, होल करेंगे। दोस्तों बिल्कुल कामयाब ड्रिल है ये देखिए, होल हमारा आर पार हो गया। दोस्तों जोनसी वुड में मैं स्क्रू कसूंगा, ये मैंने स्टीम बीच लिया है, सबसे हार्ड वुड है, यानी कि इसकी एडेंसी बड़ी यानी कि हार्ड रहती है। देखते हैं इसके अंदर स्क्रू कस देता है कि नहीं। ये मैंने 3 इंची का लिया है, इसके अंदर कोई मैंने होल वगैरह नहीं कर रखा, कभी आप सोचे होल कर रखा है। दोस्तों पूरा चले गया, अब इसको खोलते हैं इसको। दोस्तों कॉर्डलेस ड्रिल के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या इसके फंक्शन है और क्या इसका प्राइस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।